किसान आंदोलन के बाद अब किसान अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। किसानों की मांगों को लेकर सरकार की घेराबंदी भी होगी। शनिवार को कक्का जी ने इसका ऐलान किया है। किसानों का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी अब एमपी में नए आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। शनिवार को नया ऐलान करते हुए कक्का जी ने 1 अगस्त से महासंघ प्रदेश में अन्नदाता अधिकार यात्रा निकालने की रूपरेखा मीडिया से साझा। ये उसका नाम होगा, यात्रा 90 दिन की होगी। ये 1 अगस्त को प्रारंभ होगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए कक्का जी बोले, किसान आंदोलन के दौरान सरकार पूरी तरह से दबाव में रही, यही आंदोलन की सफलता है। आदमी कल हमारा आखिरी है, शहर नहीं आया, मगर इस 10 दिनों में मीडिया इस बात का स्वयं साक्षी है कि सरकार की सांसें ऊपर नीचे होती रही हैं। TI सब्जी मंडी में, हमारे यहाँ भोपाल में CI DSP सब्जी लाने ले जाने का और दूध बिकवाने का काम 10 दिन करते रहे हैं। ये सरकार 10 दिन दबाव में रही है, यही हमारा आंदोलन की सफलता है। ना कि ये सफलता है कि कुछ ट्रक जल जाते, कुछ बस जल जाती, कुछ आदमी निपट जाते, ये इसको हम सफलता नहीं मानते। इसको हम आंदोलन को कैसे मानते कि आंदोलन बर्बाद हो चुका है। वहीं कक्का जी का कहना है कि अन्नदाता अधिकार यात्रा के दौरान ट्रैक्टरों पर झांकियां निकाली जाएगी और सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाया जाएगा। इसमें 100 ट्रैक्टर होंगे, इस ट्रैक्टर तो 50 होंगे, ट्रालियां 100 होंगी, क्योंकि डीजल का खर्चा बहुत आता है, तो एक ट्राली में 2 ट्रालियां रहेंगी ट्रैक्टर में। और दोनों साइड में इसमें चलित एग्जीबिशन टाइप का होगा, 12x6 फिट के हमारे वो होंगे, फ्लैक्स लगे होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार के 15 सालों के उपलब्धियां और कुकर्म दोनों शामिल होंगे। आगे 2 गाड़ियां होंगी जिनमें हमारा बाथरूम भी होगा, साहित्य भी होगा। 323 विकास खंड 51 जिले में यात्रा जाएगी, 2 से 3 बड़ी आम सभाएं होंगी और तहसील जो गांव में पड़ेगी, रस्ते में गांव पड़ेंगे, उनमें केवल रैली का स्वागत होगा। जो 36,000 किसानों ने आत्महत्या की है इन वर्षों में, कितने सालों में? ये 15 वर्षों मध्य प्रदेश सरकार कहती है 22-23। राहुल गांधी के कर्ज माफी वाले बयान को लेकर कक्का जी ने कहा कि उनका संगठन किसी के बहकावे में नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस लिखित में यह दावा करती है कि किसानों की पूर्ण कर्ज माफी होगी तो वे आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने पर विचार कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने विषय रखा, हम उनका धन्यवाद देते कि वो उनको किसान की पीड़ा पर वो लंबे समय से चल रहे, लैंड बिल पर उन्होंने हमारा साथ दिया, जबकि पूरी पार्टियां सपा बसपा भी मैनेज हो गई थी, केवल राहुल गांधी ने लैंड बिल पर पूरी ईमानदारी से हमको साथ दिया था। वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन में करेंगे, पर हमारा भी निवेदन है कि अब आप हमको जो लिख के दो। हमने रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे चर्चा की कि ये जो घोषणा पत्र है ये एक बहुत बड़ी लफाजी है। यानी घोषणा पत्र पढ़ के तो ये लगता है कि ये आते ही साथ पूरा मध्य प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे और किसान और आम जनता बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। कुल मिलाकर कक्का जी अब प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है और अब किसान अधिकार यात्रा के जरिए फिर नया किसान संघर्ष शुरू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।